दीज ऑन पेज 22 एंड ट्राई दीज में आपको कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दो प्रोडक्ट्स एस्टीमेट द प्रोडक्ट. फर्स्ट पार्ट इज 87 इंटू 313. पार्ट बी इज 9 इंटू 795. Part C is 898 into 785 and D part is 958 into 357. तो ये चार क्वेश्चंस लिखे हैं एंड आई हैव टोल्ड यू टू राइट जनरल रूल विद दिस. आप खुद लिखिए इसके साथ जनरल रूल, क्योंकि हम जनरल रूल के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने वाली हूँ तो इसके मैंने मैक्सिमम प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है. मैक्सिमम प्लेस पे हाँ 8 इज डिजिट और इसके साथ का डिजिट बताएगा, इसमें इंक्रीज होगा कि नहीं. एज अ डिजिट विद along with 8 is 7, so I will increase 1 in 8 and it will be 9 now, so I will write 10 along with this. Ab idhar 3 hai, kya is 3 mein ye 1 change leke aayega ya nahi, because 1 ki value 5 se kam hai, so no change will be there, it will be 3 with double 3. Multiply kariye, 27,000 is your answer. Okay, there is part B and what is there in part B? 9. This is the maximum place और ये है 795. अगर आपने 9 को round off करना है ये हो जाएगा 10 और इसकी rounding off करोगे तो ये हो जाएगा 800. Next is part C. 898 into 785 rounding off हो रही है. 898 की rounding off क्या हो जाएगी? It will be 900. इसकी rounding off हो जाएगा 800. That will be 72. 8 times 72 with 4 zeros. This is your answer. Next is part D. इसके rounding form पर ये साथ में 5 है तो ये 10 हो जाएगा. साथ में 5 है, 9 का बन गया 10 और साथ में जितने digits हैं उतने 0. Again I am explaining, 9 का बना 10 और साथ में 2 digits हैं तो 2 zeros. तो अब तक आपके 1000 हो गया. 3 साथ में पड़ा है 8 will be 4 and 2 zeros and will be 4 into 1 4 with 5. नेक्स्ट इज आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है दैट आई हैव टोल्ड यू, ये आपने ट्राई दीज करने हैं. दीज आर ऑन पेज 19. इनको आपने टेंस में राउंड ऑफ करना है. ओके, नेक्स्ट न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट इज रोमन न्यूमरल्स. नाउ यू हैव डन रोमन न्यूमरल्स अप टू 50 इन योर फोर्थ क्लास. आई विल टेल यू व्हाट आर द सिंबल्स फॉर नेक्स्ट नंबर्स. आपने पढ़े हैं 50 तक के सिंबल्स. सो 50 के लिए 50 तक के हम सारे सिंबल्स लिखेंगे. 1 के लिए 5 के लिए, 10 इज फॉर 10, 9 इज फॉर 50. 1 के लिए आप लिखते हो I, 5 के लिए लिखते हो V, 10 के लिए X, 50 के लिए L. अब इसके फर्दर भी कुछ सिंबल्स हैं जो आपने पहले नहीं करे हुए एंड दैट इज फॉर 100. That is C for 500. Then is for 500 and then is for 1000. That is M. So आपने ये new symbols याद करने हैं. 50 तक ऑलरेडी करे हुए हैं. 100 के लिए सी लिखते हो, 500 के लिए डी लिखते हो और 1000 के लिए आप एम लिखते हो. इज इट क्लियर टू यू? Now I am going to tell you some rules when you are using Roman numerals. How you can use these Roman numerals? सबसे पहली चीज है जितने भी सिंबल्स आप 5 के साथ वाले डिजिट्स के लिए यूज करते हो, 5 के साथ के नंबर्स, मींस 5 के लिए भी यूज होता है, 5 के लिए 50 यूज होता है और 50 के लिए L यूज होता है और 500 के लिए D यूज होता है. जितने भी ये 5 वाले नंबर्स है ना, ये कभी भी रिपीट नहीं करते. ये नंबर्स, ये जो सिंबल्स हैं 5
फाइव के लिए जो सिंबल है थ्री के लिए और 500 के लिए कभी भी रिपीट नहीं करते, तो वर्स्ट रूट है इसका जो फाइव के सिंबल है वो है बी एल और डी. B L M D never repeat. ये कभी भी repeat नहीं होते. Next is one के जो symbols हैं. One के साथ polynomial से लगे हुए I. One के साथ 10 है उसका symbol है X. One के साथ 100 है उसका C है. और one के साथ 1000 है उसका symbol M है. ये repeat कर सकते हैं. But कितनी बार? Only 3 times. ये सिर्फ 3 बार ही repeat कर सकते हैं. I, X, C, and L. Repeat. इसको लिख लीजिए can repeat, but maximum 3 times. Repeat. Maximum 3 times. ये repeat तो करते हैं, but maximum ये 3 times में repeat कर सकते हैं. अगर आपको 200 बनाना है तो आप दो बार सी लिखोगे, सी एंड सी. अगर आपको 2000 या 3000 बनाना है, यू कैन राइट एम एम एम, 1000 1000 1000, 3000. ओके, अगर आपको ये 10 को 40 में लिखना है, इस सिंबल के लिए आप किस तरह से 40 में लिखोगे? तीन बार से ज्यादा ये कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता. ऐसे अगर आपने 4 लिखना है तो आई नहीं लिखोगे. फिर आप क्या करते हो? फिर आप इसके बिगर रोमन न्यूमरल के पास जाते हो. एक्स के बाद बिगर रोमन न्यूमरल कौन सा आता है? एल. आप एल लिखोगे. ठीक है, अब आपको 40 बनाना है. अगर आप एल के पीछे की तरफ एक्स लगा दोगे तो ये 40 बन जाएगा. ठीक है, बट अगर आप एल के राइट साइड पे एक्स लिख दोगे तो ये बन जाएगा 60. मतलब अगर एक बिगर न्यूमरल के बैक साइड पे आप एक स्मॉलर न्यूमरल फिट करते हो तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाती है. और अगर आप बिगर न्यूमरल के राइट हैंड साइड पे एक रोमन न्यूमरल ऐड करते हो उससे छोटा, तो उसकी वैल्यू उसमें प्लस हो जाती है. 50 प्लस 10 60 हो जाएगा. अब इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या लिखोगे आप? एनी रोमन न्यूमरल इज written on right side of a big Roman numeral, its value is added. ठीक है, इसकी एग्जांपल भी लिख रही हूँ मैं नीचे, किस तरह से इसकी वैल्यू ऐड होती है. लाइक अगर मैं 10 के इधर लिख दूँ x, इट विल बी 50 प्लस 10 60. अगर मैं 10 के बाद 1 और 1 लिख दूँ, दैट मींस 10 प्लस 1 प्लस 1 12. ओके, अब अगर इसके बैक साइड पे आप लिखते हो कोई रोमन न्यूमरल तो उसकी वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाती है. उसके लिए भी मैं रूल लिखवा देती हूँ, नोट डाउन दिस. उसके बाद मैं इस तरफ लिखूंगी. इक्वेट कर दिया. Have you written up to this? ये समझ आ गया? आप अगर किसी रोमन न्यूमरल के आप राइट हैंड साइड पे एक स्मॉलर न्यूमरल फिट करते हो, when any Roman numeral is written on the right hand side of a bigger Roman numeral, its value is added to it. Its value is added to it. आप इसको smaller में लिख सकते हो. अगर एक small Roman numeral आप एक big Roman numeral के right hand side पर लिखते हो तो इसकी value add हो जाती है. अभी दिखाती हूँ, मुझे था वो नोट कर रहे हैं ना. आई एम वेटिंग.
hope all of you have written this rule. Now is the next rule for Roman numerals, and that is next rule kya hai, when any small Roman numeral is written to the left of a big Roman numeral. Agar aap kisi small Roman numeral ko kisi big Roman numeral ke left side pe likh rahe ho, left hand side pe likh rahe ho, to uski value usme se minus ho jati hai. That means 50 minus 10 ho jayega 40. Aur जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तब सिर्फ और सिर्फ एक ही रोमन न्यूमरल पीछे की तरफ लिख सकते हो, दो नहीं. लाइक आपने उस रूल में उस क्या लिखा था कि अगर आपको दो की भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप राइट हैंड साइड पे दो या तीन रोमन न्यूमरल्स इकट्ठे फिट कर सकते हो. बट अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर आप पीछे की तरफ रोमन न्यूमरल फिट कर रहे हो एक बिगर न्यूमरल से, तो फिर उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और वो सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है. दैट मींस आप इसको 30 बनाने के लिए दो बार x पीछे लिखते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट विल नॉट बी करेक्ट. ठीक है, तो आपने अगर बिगर न्यूमरल के पीछे की तरफ आपने कोई वैल्यू लिखनी है, उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और वो जो नंबर है, वो जो रोमन न्यूमरल है, वो सिर्फ एक ही बार रिपीट कर सकता है, वो दो या तीन बार पीछे की तरफ नहीं लगेगा. ठीक है, इसके साथ एक चीज लिख लीजिए, कैन बी यूज्ड वंस ओनली. ओके, ये जो पीछे का जो रोमन न्यूमरल है ये एक ही बार यूज कर सकते हो आप इसको, दो या तीन बार नहीं. आपको बेटे शो कर देते हैं बोर्ड, वेट, इज इट क्लियर टू यू? जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें सिर्फ आप एक ही बार रोमन न्यूमरल को, स्मॉलर रोमन न्यूमरल को आप लिख सकते हो, दो या तीन बार रिपीट नहीं करोगे. नाउ इज राइट डाउन रोमन न्यूमरल फॉर गिवन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स गिवन है और आपको इनके रोमन न्यूमरल्स फिट करने हैं. अब आप इनको कैसे फिट करोगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कैसे करने हैं. 50 में जो है आपको बताना है L, ठीक है, 60 बनाना है तो आप L के साथ 2 times x, 1 times x लगा दो, 50 plus 10 60. 70 बनाना L x x, 50 plus 60 plus 70 80, L X X X हो गया 80 90. अब चार बार तो X नहीं आ सकता, तो क्या करोगे, आप बिगर न्यूमरल के पास जाओगे. L से बिगर न्यूमरल कौन है, 100 के लिए C, तो C लिखोगे और उसके बैक साइड पे आप एक बार 10 माइनस कर दोगे. सो आप कभी भी राइट हैंड साइड पे 3 से ज्यादा स्मॉलर न्यूमरल फिट नहीं कर सकते हो. सो आपने क्या करना है, अगर आपको 3 से ज्यादा चाहिए तो आप इस रोमन न्यूमरल के नेक्स्ट रोमन न्यूमरल पे जाओ, एंड दैट इज सी. 100 के पास गए और 100 के बैक साइड पे 10 लगा दो, बैक साइड पे 10 लगेगा तो क्या बन जाएगा, 9 100 minus 10, क्योंकि बैक साइड का रोमन न्यूमरल माइनस होता है, फ्रंट के रोमन न्यूमरल्स ऐड होते हैं. ठीक है, तो ये 9 100 के लिए जो आपने ऑर्डर के लिए मार्क किया दिया है, दैट इज सी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोमन न्यूमरल आपको लिखना है 75 का. पहले 70 के लिए लिख लो, फिर 5 का लिख लो. ठीक है, 70 के लिए क्या रोमन न्यूमरल है, L X X, साथ में 5, that means okay. Now is for 81. पहले 80 का लिख लो, साथ में 1 का लिख. 80 का रोमन न्यूमरल लिखा पड़ा है L X X X और साथ में 1, तो क्या 50 plus 1 81. Now is for 92. 90 के लिए आपको रोमन न्यूमरल पता है, दैट इज x. ये 90 का रोमन न्यूमरल है और 2 का रोमन न्यूमरल आपको आता है ii. देन इज रोमन न्यूमरल फॉर 97. पहले 90 का लिखो, फिर साथ में 7 का. 90 का रोमन न्यूमरल है x c, 7 के लिए vii. 7 का रोमन न्यूमरल आपको आता है, दैट इज vii. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. क्लियर हो गया बेटा, आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग ट्राई दीज ऑफ पेज 3. इसके बाद पेज 3 के ट्राई दीज आप करने वाले हो.
यू आर गिवन होमवर्क फ्रॉम पेज 25 नॉट पेज 23. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्राई दीज ऑफ पेज 3. इसमें आपको कुछ डिजिट्स गिवन है और उसको बोला है आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स के साथ, जो डिजिट्स गिवन है उनको यूज करके. ओके, आपको जो डिजिट्स गिवन है पहले पार्ट में वो है 2, 7, 8 और 4, और इसमें आपको रिपीट नहीं करना किसी भी डिजिट को, विदाउट रेपिटेशन किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है और आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाने हैं. ए पार्ट इज 2, 8, 7, 4, इससे ग्रेटेस्ट भी बनाओ और इससे स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाओ. ठीक है, बी पार्ट इज 9, 7, 4, 1, ग्रेटेस्ट भी बनाइए एंड स्मॉलेस्ट भी बनाइए. सी पार्ट 4, 7, 5, 0, ग्रेटेस्ट भी बनाना है एंड यू हैव टू फ्रेम स्मॉलेस्ट नंबर ऑल्सो. Then is part B, 1, 7, 6, 2, greatest भी frame करिए और smallest भी frame करिए. Let us frame in given digits के साथ. अगर greatest बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा digit लिखिए 8, 7, 4, 2 और फिर उल्टा कर दो तो ये smallest बन जाएगा 2, 4, 7, 8. Greatest बनाइए 9, 7, 4, 1, 1, 4, 9, 7, 9. Greatest 7, 5, 4, 0, 4, 0, 5, 7. 7, 6, 2, 1, 1, 2, 6, 7. आप से बनाते आ रहे हो, these are not difficult for you. Without repetition वाले difficult नहीं है. जब repeat करना है तब मैं आपको explain करूंगी कि कैसे और किस digit को आप repeat कर सकते. नेक्स्ट इज पार्ट ई. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस साइड वर्क. सबने ये रोमन न्यूमरल्स लिख लिए हैं. पार्ट ई डिजिट्स आर 5, 4, 0, 3. ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और स्मॉलेस्ट बनाइए. ग्रेटेस्ट विल बी 5, 4, 3, 0, 3, 0, 4, 5. हरी अब बी क्विक. क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर, यू आर गिवन सम डिजिट्स, आपको कुछ डिजिट्स गिवन है और यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वहां लिखा है 4 डिजिट का आपको एक नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी, एंड यू कैन रिपीट योर नंबर्स, आप अपने नंबर्स को रिपीट कर सकते हो. आपको डिजिट्स गिवन है 3, 8, 7. तीन जो नंबर्स डिजिट्स गिवन है इनको आप रिपीट कर सकते हो. अब आपको जो नंबर है वो मैक्सिमम बनाना है. अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आप इसमें से वाले डिजिट को रिपीट करोगे. अगर ग्रेटेस्ट बनाना है दैट मींस 8 को रिपीट करोगे. अगर मैं 8, 7, 3 इनको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर लिया मैंने, लेकिन मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैंने जो सबसे बड़ा नंबर है बड़ा डिजिट को रिपीट कर. ठीक है, अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है वो बनेगा 3, 7, 8, लेकिन मुझे चाहिए 4 डिजिट का, सबसे छोटे वाले डिजिट को रिपीट. ठीक है, सो ये मेरा आंसर होगा 8873-3378. ऐसे ही जब मुझे एक बार ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है नंबर, मैं पहले ग्रेटेस्ट नंबर बना लूं. ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा इसका 950. जब स्मॉलेस्ट बनाना है वो बनेगा 509. ऐसे ही बनेगा ना. ठीक है, अभी जब मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है और 4 डिजिट का चाहिए तो मुझे ग्रेटेस्ट पर डिजिट अब मुझे जब ग्रेटेस्ट बनाना है 4 डिजिट का चाहिए तो मुझे अपने ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना है. एक बार इसको रिपीट करके यहाँ मुझे स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट करना है ताकि स्मॉलेस्ट नंबर ही रहे.
is E part. और यहाँ पे जब मुझे greatest form करना है, smallest form करना है, पहले छोटे digit का form कर दीजिए A by one, one by A. छोटे digits के number form हो गए. अब मुझे इसमें से greatest digit को repeat करना है और यहाँ smallest को repeat कर देना है. हो गए मेरे चार चार digits हर part. इसीलिए मैंने बोला था ये न्यू है क्योंकि आपने जो रिपीट वाले क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर नहीं करे हुए या थर्ड में भी नहीं किए हुए. व्हेन एवर यू आर शॉर्ट ऑफ डिजिट्स, जब आपके पास डिजिट्स की शॉर्टेज हो और आपने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करो, तब आप पहले अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर उसी तरह से बना लो जिस तरह से आप सिंपली बनाते थे थ्री डिजिट्स के साथ थ्री डिजिट का नंबर. उसके बाद अगर आप ग्रेटेस्ट बना रहे हो तो ग्रेटेस्ट वाले डिजिट को रिपीट कर दो, अगर स्मॉलेस्ट बना रहे हो तो स्मॉलेस्ट वाले डिजिट को रिपीट कर दो. बस यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट था 8 तो मैंने 8 को दो बार लिख दिया, यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट था 3 तो मैंने 3 को दो बार कर दिया. तो इस तरह से मेरे चार डिजिट्स पूरे हो गए. इज इट क्लियर? नाउ इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. और यहाँ पे भी आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाने का ही फिनिश इट सो दैट आई कैन टेल यू अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question is another new question for you, question number 3. इसमें क्या given है, इसमें आपको greatest और smallest 4 digit numbers बनाने हैं, ठीक है? इसमें आपको A part already solved है book के ऊपर. A part is already done, that is why I am not writing it. B, C और D आपने खुद करने हैं. इसमें आपको blanks given है और digits भी नहीं given. Digits आपने खुद choose करने हैं और इन blanks को पूरा करना है. आपने यहाँ पे greatest number भी खुद बनाना है और स्मॉलेस्ट भी खुद बनाना है, लेकिन जो डिजिट्स हैं यहाँ पे क्या आएंगे ये आपने खुद फाइंड करना है. ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए क्या डिजिट्स का यूज करेंगे, तो ग्रेटेस्ट के लिए हम बिग डिजिट्स का यूज करेंगे और स्मॉलेस्ट के लिए हम छोटे वाले डिजिट्स का यूज करेंगे लाइक 1, 0. ठीक है? सो अगर आप पहले में ग्रेटेस्ट फिल कर रहे हो बुक पे नहीं करना, आप कॉपी पे कर लो. अगर सबके पास बुक है देन यू कैन डू ऑन बुक. ऑल आर हैविंग बुक्स देन यू कैन राइट. नाउ फॉर ग्रेटेस्ट नंबर आप यहाँ पे क्या डिजिट्स का यूज करोगे, बड़े नंबर लगाओगे 9, 8 और 7. देखो अगर आप यहाँ 1, 0, 2, 3 लगाओगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बन पाएगा. जब आपने स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप यूज करोगे 1, 0 और 2. अब आप 1 को यहाँ रखो, 0 यहाँ और 2. ठीक है? नेक्स्ट इज 9. आपको गिवन है टेंस प्लेस पे. बेटे पेज नंबर 3. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ पेज 3. ग्रेटेस्ट के लिए आपको बनाना है 9 होना चाहिए टेंस प्लेस पे. तो बाकी जगह पे आप बड़े नंबर्स लगाइए 8, 9, 7, 6. और जब स्मॉलेस्ट बनाना है 1, 9, 0, 2. आप स्मॉलेस्ट के लिए 1, 0, 2, 3 यूज कर सकते हो और ग्रेटेस्ट के लिए 9, 7, 8, 6 ऐसे नंबर्स. यहाँ बनेगा 1, 9, 8, 7 और यहाँ बनाओगे 1, 0, 2, 3. जब भी स्मॉलेस्ट फ्रेम करना है और डिजिट्स ना गिवन हो, यहाँ डिजिट्स आपको नहीं गिवन है, सिर्फ आपको एक एक प्लेस गिवन है. जैसे यहाँ पे आपको टेंस वाली प्लेस गिवन थी ये वाली, यहाँ पे आपको 100 वाली प्लेस गिवन थी, यहाँ 1000 वाली गिवन थी और बाकियों में बोला था कि खुद डिजिट्स फिट कर लो. तो खुद आपने ऐसे डिजिट्स फिट करने हैं जब ग्रेटेस्ट बनाना है लाइक 9, 8, 7.
जब आपने स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप 102 छोटे वाले डिजिट्स यूज करोगे जिनकी कम वैल्यू है, ठीक है। देखो मैंने जब ग्रेटेस्ट बनाया यहाँ पे 9 ऑलरेडी यूज था, इसलिए मैंने इसमें 8, 7 और 6 यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 9, 1 ऑलरेडी यूज था तो मैंने 9, 8, 7 यहाँ यूज किया, लेकिन यहाँ 1 ऑलरेडी यूज था तो मैंने अब 1 को नहीं यूज कर सकती, मैंने 0, 2 और 3 को यूज किया। 1 ऑलरेडी यूज था तो 0, 2 और 3 यूज कर लिया। तो आपने ऐसे डिजिट्स चूज करने हैं जो छोटे हो वैल्यू में जब आप स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो, और जब ग्रेटेस्ट फॉर्म कर रहे हो तो ऐसे नंबर ऐसे डिजिट्स यूज करने हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ ध्यान से पढ़नी है, यहाँ लिखा है 4 डिजिट्स शुड बी डिफरेंट, सारे डिजिट्स अलग अलग हो। कहीं पे भी देख लो आप डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे, इसमें कोई रिपीट नहीं है, इसमें भी कोई रिपीट नहीं है, डिजिट शुड नॉट रिपीट। सो फॉर दैट यू विल चूज लाइक दिस, नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। समवन इज हैविंग डाउट कैन अनम्यूट। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट H। हियर वी आर गिवन 3 टर्म्स। जब भी आपको ब्रेकिंग में आपको 2 या 3 टर्म्स के बाद प्लस साइन मिल जाए या माइनस साइन मिल जाए, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है क्वेश्चन में कहीं ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुपिंग का तो नहीं। अगर ग्रुपिंग का क्वेश्चन होगा तो पहले और दूसरे ग्रुप में कोई ना कोई नंबर सेम होगा, ठीक है। जैसे आपके ई पार्ट में 635 सेम था, पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में 645 सेम था, है ना। ऐसे ही जितने भी ग्रुपिंग के क्वेश्चन होंगे अगर उनमें प्लस और माइनस आ रहा हो तब तो ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो सकता है। और सेकेंडली क्या बोला, दूसरी आपको क्या उसका हिंट रहेगा कि पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में एक नंबर सेम जरूर होगा एटलीस्ट। तो अगर मैं प्लस पहले वाले टर्म को सेपरेट करूँ, प्लस के बाद वाले टर्म को सेपरेट करूँ, तो मेरे को पता लग रहा है इन दोनों ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में एक नंबर है वो सेम है, और वो कौन सा नंबर है, दैट नंबर इज 57। तो आई कैन टेक दिस 57 आउट ऑफ दीज टू ग्रुप्स। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी थी, आपने नंबर चेक कर लिया जो नंबर इन दोनों ग्रुप से बाहर आ सकता है। सेकेंड थिंग आपको क्या चेक करनी है, माइनस कितनी बार आ रहा है, सो दैट यू माइनस को पूरी तरह से खत्म कर दे। माइनस को कैसे खत्म करोगे, आप काउंट करोगे पहले ग्रुप में कितने माइनस आ रहे हैं। पहले ग्रुप में 2 माइनस आ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ माइनस साइंस 2, 4, 6 या 8 हो तो प्लस बन जाएगा, प्लस 57 × 90, ठीक है। अब ये माइनस साइन खत्म हो गए, 57 × 90 दिख गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे ग्रुप में आपके पास ओनली 57, ठीक है। अब आपका ग्रुपिंग वाली क्वेश्चन है, माइनस साइन गए, ग्रुप सेपरेट हो गए, ये भी पता चल गया कि बाहर कौन सी टर्म आ सकती है, और वो टर्म है 57। अगर मैं 57 को बाहर रख रही हूँ तो मेरे पास पहले ग्रुप में क्या बचेगा, 19, बीच में साइन प्लस का, लेकिन मैं सेकेंड टर्म यहाँ क्या लिखूं। कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो कि पार्ट एक्स जैसा होगा, जहाँ सेकेंड ग्रुप में अदर नंबर नहीं गिवन होगा। तो अगर यहाँ कुछ नहीं लगा, दैट मीन्स यहाँ पे 1 लगा है, क्योंकि 57 × 157 ही होता है। तो अगर मैं 57 को बाहर रख रही हूँ, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा। जब भी आपके पास किसी एक ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म्स 2 ना हो, 1 हो, तब आपने उस जगह को खाली नहीं छोड़ना, आपने सेकेंड नंबर खुद वहां फिट कर देना है, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1। क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 57 का 57 ही रह जाएगा। 57 × 1 लिखोगे, दैट विल बी सेम, ओके। तो जब मैंने 57 को बाहर लिख दिया, ये दोनों में से मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आ गया 119 + 1। नाउ इट इज 57 × 20, ओके। अब आप 57 और 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यू विल गेट 0411, दैट इज 1140। दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, दैट इज व्हाई
मैंने सुना था, ध्यान से सुनो, और इसको मैंने सेकंड रिकॉर्डिंग में भेजा है. काइंडली दिस लिसन दिस रिकॉर्डिंग अगेन. इस रिकॉर्डिंग को बेटे जरूर दोबारा सुन लेना. सेकंड जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको, इसमें एक्स पार्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स. अदर पार्ट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5. काइंडली ट्राई टू डू all these questions once again in your notebook so that you can have practice of such questions. I have done all the questions here, okay, but you have to do all the questions again so that you come to know am I have I understood this question or not. Jab tak aap is questions ko dobara nahi karoge, you will not come to know aapko ye samajh aa rahi hai nahi. Next is question number 6. Again ye understanding based question hai, isko dhyan se suno. Sixth question में statement है, I'm reading from my book. You can see from your books, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degrees. एक room का temperature 40 degree है. इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है. इसको means कम करना है, इतना कम करना है so that ये 5 degrees में आ जाए. इसको reduce करना है room temperature को so that ये 40 degree का जो temperature है वो 5 degrees पे आ जाए. हर घंटे टेम्परेचर कम हो रहा है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. अगर आप जो प्रोसेस है आपका वो 10 घंटे तक चल रहा है तो रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा. ओके, अगर 10 आवर्स तक आपका ये प्रोसेस चल रहा है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा. दिस यू हैव टू टेल. अब अगर मैं आपको ये वाली फॉर्म की एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है, दैट इज 40 डिग्री. अब 10 घंटे तक रूम टेम्परेचर 5 डिग्रीज कम होता गया. हर 5 डिग्रीज हर घंटे के बाद रिड्यूस होता गया. मींस पहले घंटे में कितना रिड्यूस हुआ, रिडक्शन इन 1 आवर. पहले घंटे में जो रिडक्शन की 5 थी तो रिडक्शन इन 10 आवर्स. 10 आवर्स में रिडक्शन हो जाएगी 10 into 5 50. अब आपको बताना है 10 घंटे बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा. उसके लिए आप क्या करोगे, पहले था 40, अब 50 डिग्री कम हो चुका है. इट इज has reduced by 50 degrees now, so 10 घंटे बाद हो जाएगा -10 degrees. Is it clear? फोर्टी डिग्री प्रेजेंट रूम टेम्परेचर है. एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर गिर रहा है, नीचे नीचे की तरफ आ रहा है. तो 5 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 50 डिग्रीज. अब ये 50 डिग्रीज कम हो गया 5 आवर्स में, 10 आवर्स में. तो क्योंकि कम हुआ है दैट मीन्स आई हैव टू सबट्रैक्ट दिस 50 डिग्री. और पुराना वाला टेम्परेचर था 40 डिग्री, 50 डिग्री उसमें से माइनस हो गया. नाउ रूम टेम्परेचर इज -10 डिग्री एंड प्रेजेंट. अब रूम टेम्परेचर हो गया ऐसे, इसको एट प्रेजेंट नहीं लिखो, यू कैन राइट इट आफ्टर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. आफ्टर 10 आवर्स इज इट क्लियर. 10 घंटे बाद ये कितना कम हो जाएगा, हर घंटे 5 डिग्री नीचे आ रहा है. 10 आवर्स 50 डिग्री नीचे आ जाएगा. दैट इज 40 पुराना था, 50 माइनस हो गया, दैट विल बी -10 डिग्रीज नाउ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. इट इज अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन. स्टेटमेंट क्वेश्चन जितने भी बुक में दिए हैं ये सारे पिछले क्वेश्चन से अलग रहे हैं. पुराने क्वेश्चन से ये मैच नहीं करते होंगे, बुक्स के जैसा ही है. सो काइंडली बी अटेंटिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 7. I'm showing you board of for question number 7. Now what is written here? यहाँ पे statement है.
इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आया, 5 मार्क्स जो थे वो हर करेक्ट आंसर के लिए गिवन दिए गए और जो माइनस 2 था वो हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए डिडक्ट हो गए। नेक्स्ट इज अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, तो उसको 0 मार्क्स दिए गए। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 करेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर? जो मोहन है उसको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपने बताना है। उसने 4 करेक्ट आंसर दिए। फर्स्ट आप जो स्टेप है मोहन के लिए कर रहे हो, स्टेप 1, इसके अंदर मोहन के हम मार्क्स फाइंड करने वाले हैं एंड मोहन अटेम्प्टेड 4 करेक्ट और 6 इसके इनकरेक्ट थे। 4 करेक्ट है मींस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, उसको 20 मार्क्स मिल गए और 6 उसने रॉन्ग किए तो 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से, एक उसका करेक्ट जो आंसर है उसके लिए मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपको उसका टोटल स्कोर बताना है। 20 माइनस 12 एंड ही हैज गॉट 8 मार्क्स। 20 में से 12 माइनस कर दीजिए एंड ही हैज गॉट 8 मार्क्स। नेक्स्ट इज रेशमा। अब आपने मोहन के लिए कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट फॉर रेशमा। अब रेशमा को कैसे मार्क्स मिले? स्टेप 2 है क्वेश्चन का। रेशमा के लिए बताया गया है 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। 5 उसके करेक्ट थे, 5 इनकरेक्ट थे। जो करेक्ट है उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 इनकरेक्ट है उसके लिए -2 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड करोगे तो उसका टोटल स्कोर मिल जाएगा। ये जो बीच में एडिशन है उसका टोटल स्कोर फाइंड करने के लिए ये उसका करेक्ट आंसर का स्कोर है, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स को नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क्स को नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज 25 -10 दैट मींस 15 मार्क्स मिले हैं रेशमा को। नेक्स्ट इज टीना। टीना ने 2 करेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट किए, ठीक है, और उसके 7 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे।